तो सीएम को आपने सुना, खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी में अपना परचम लहराने वाले टॉपर्स ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की है। कई यूपीएससी टॉपर्स के साथ हमने बातचीत की है, बारी बारी आपको सुनवाने वाले हैं। सबसे पहले हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले अभिनव सिवाच को सुनिए, जिन्होंने 12वां रैंक हासिल किया है। परिजनों के साथ साथ, परिवार के साथ साथ हरियाणा का नाम भी रोशन किया है। सुने, यूपीएससी के रिजल्ट आने के बाद हरियाणा के छोरे ने जहां कमाल कर दिखाया, तो हरियाणा में टॉप और ऑल इंडिया की मैं बात करूं तो 12वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। मेरे साथ जो अभिनव सिवाच है उनका पूरा परिवार मौजूद है, उनकी माता जी, उनके पिताजी और छोटे भाई और खुद अभिनव भी मेरे साथ है। मैं इन्हीं से जाऊँगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव, किस तरीके का स्ट्रगल रहा, और क्योंकि आप पहले भी कार्यरत हैं, SDM दिल्ली में कहीं थे, और उसके साथ साथ एक इतना बड़ा सफ़र, क्योंकि एक विज़न आप लेके चल रहे थे और वो मुकाम अब आपने हासिल कर। सर स्ट्रगल तो काफ़ी रहा, मैं अभी दैनिक सर्विस में था तो SDM अंडर ट्रेनी, SDM प्रोबेशनर था दिल्ली में, तो उसके साथ साथ तैयारी करता था। वो तो उससे जो मेरी जॉब थी उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता था, कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिलते थे। तो स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि वो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था जिससे मुझे और मोटिवेशन मिली तैयारी करने की। किस तरीके से देखते हैं, एक तरफ सर्विसेज आपकी चालू थी और ऊपर से पढ़ाई, उसके लिए किस तरीके से मैनेज, तमाम चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, फैमिली भी, ऑफिस भी, और उसके साथ साथ जो आपका एक विज़न था उसको भी कहीं ना कहीं टारगेट करना था। सर इसमें यह होता था कि ऑफिस में जब मैं ट्रेनिंग पे क्लासेस में ऑफिस में जाता था तो वहाँ से जो मुझे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन या इंसाइट्स मिलती थी वो लेने की कोशिश करता था। फिर दूसरा जो उसके बाद टाइम मिलता था उसमें कोशिश करता था कि वो टाइम इफेक्टिवली यूज़ हो। तीसरा सर जो टाइम वेस्ट कर देते हैं हम जनरली सोशल मीडिया पे इधर उधर, वो कोशिश करता कि था कि सर वो टाइम जो वेस्ट है वो कम हो, वो रिड्यूस हो जाए। जिस तरीके से आप देखते हैं अमूमन तौर पर जो युवा है कहीं ना कहीं वो गलत संगति और नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे, आप एक युवा हैं? सर नशे, नशा और गलत संगति ये मनुष्य के चरित्र और मनुष्य के प्रगति को ख़राब करते हैं। तो इसके लिए युवाओं को सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना चाहिए, जो कि सर एजुकेशन, हेल्थ, इसमें खुद की कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी चाहिए जिससे सर उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, कि उनके रोज़गार करने की काबिलियत वो बढ़े। और सर जब कोई भी रोज़गार करेगा, वो खुद करे या सरकार के साथ या प्राइवेट क्षेत्र में, तो वो ज़रूर ही कुछ समाज के लिए और देश के लिए पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेगा। आपके पिताजी हैं वो खुद सर्विस, गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं और एक बड़े पायदान पे हैं, और आपकी माताजी भी साथ हैं, छोटा भाई भी एजुकेशन अभी स्टडी कर रहे हैं, तो फैमिली की बात करूँ कितना सपोर्ट और कितना फेवर फैमिली की तरफ से? सर पिताजी डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर गुरुग्राम हैं, तो पिताजी, माताजी और छोटे भाई की तरफ से काफ़ी सपोर्ट गाइडेंस रहा है, और उसी ये एक साझी सफलता है सर, सभी का इसमें योगदान है, तो सभी की कलेक्टिव एफर्ट्स थी जो कि आज सफलता हासिल हुई है। तो मेरे साथ माताजी भी हैं अभिनव की, आप किस तरीके से देखते हैं बेटे का जो एक सपना था वो कहीं ना कहीं अब साकार होता नजर आ रहा है और साकार हो गया, क्योंकि 12वीं रैंक ऑल इंडिया की बात करूं फिर हरियाणा की बात करूं तो टॉप किया है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और हम तो पहले से ये सोच रहे थे कि ये मतलब ड्यूटी भी करना और पढ़ाई भी करनी, इससे हमारे को भी बहुत परेशानी थी पढ़ाई से, कब इसका पीछा छूटे और ये मतलब अच्छी उस रैंक पर आई, तो ये भगवान ने हमारा सपना पूरा कर दिया। कितनी खुशी है आपको, आप एक माँ होने के नाते आप कितने आप खुश हैं, और तमाम जो बच्चे हैं जो UPS की तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से आशीर्वाद देंगे और क्या मैसेज देंगे? हम बहुत खुश हैं, इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकती आपको। और मैं तो हर एक बच्चे को वैसे भी कहती हूँ भाई UPSC की तैयारी करो, पढ़ो, शुरू से मेरी तो ऐसे ही है, और ये छोटा था जब से भी इसको इसका भाई अपना पढ़ और इसके पापा को देख के ये भी पूरा वो करता था भाई मैंने इसी साइड जाना है। हाँ तो बिल्कुल, अभिनव की जो माता जी उनका साफ तौर पे ये कहना कि कोई भी बच्चा स्टडी करे किसी भी फील्ड में वो जाए, लेकिन वो अपना 100% जरूर दे, क्योंकि फैमिली का जो सपोर्ट है वो हमेशा साथ रहते हैं। मेरे साथ अभिनव के फादर साहब हैं जो खुद एक्साइज में असिस्टेंट कमिश्नर हैं गुरुग्राम में। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। शिवाज आप किस तरीके से देखते हैं, आप एक बड़े ओहदे पे अधिकारी हैं गुरुग्राम में, आप बेटा ऑल इंडिया में जो 12वीं रैंक उनकी हासिल की है, किस तरीके से गर्व के साथ आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो ये सपने जैसा लग रहा है, जो बच्चे का सपना था शुरू से ही वो जो है ना पूरा हो गया है, इसके कड़े संघर्ष के बाद, संघर्ष थोड़ा लंबा जरूर चला है लेकिन अंत में इसमें सफलता मिली है बच्चे को, तो ये इसकी लगातार मेहनत का और जो है ना
समय अपना इसमें दिया, इसने डिवोट किया है, उसका नतीजा है। और हम तो यही करते हैं कि सभी बच्चे जो हैं वो मेहनत करें और अपना आगे का जो है ना फ्यूचर को सुधारें। तो बिल्कुल, वीरव के छोटे भाई हैं जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेरे साथ हैं। सबसे पहले नाम बताओ। अक्षत, अक्षत सिवाच। अक्षत, किस तरीके से देखते हैं भाई को, ऑल इंडिया में 12वीं रैंक मिली और आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या विजन लेके चल रहे हैं आप? बिल्कुल, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को अभिनव जैसा भाई मिला एंड घर में ही मेरे को एक रोल मॉडल मिला और फॉलोइंग हिम थ्रू द प्रोसेस मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला एंड होपफुली आई विल बी एबल टू ऑल्सो फॉलो इस बात। अभिनव, किस तरीके से आप देखते हैं, आप पूरे ओवरऑल हम बात करें, आप 12वीं रैंक भी आपकी आ गई है, जो सपना था वो साकार हो गया, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे क्योंकि पूरी परिवार आपके साथ है? सर, इसका श्रेय मैं भगवान को और मेरी फैमिली को देना चाहूँगा कि सभी की कलेक्टिव एफर्ट्स थी जिसके हमें ये पायदान हासिल हुआ है आज। विजन क्या है आगे, किस तरीके, कहाँ, कौन सा कैडर आपको लग रहा है कि उस कैडर में जाके सेवा करेंगे? सर, ये तो अभी जो भी कैडर DOPT एलोकेट करेगा सर, उसी में जाके मैं सेवा करना चाहूँगा। और सर, आगे विजन ये है कि जो भी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी नीतियाँ रहेंगी उनको लोगों तक पहुँचाने का, अंत्योदय तक पहुँचाने का कोशिश रहेगी। तो बिल्कुल, ये थे मेरे साथ अभिनव सिवाच, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जो भी प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, जो भी उनकी ड्यूटी लगाएंगे उसको बखूबी निभाएंगे और जन जन तक जो सरकार की नीति है वो पहुंचाएंगे और साथ ही साथ लोगों की समस्याएं होंगी तो उनका भी समाधान वो निष्ठा और भाव के साथ करेंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर। और UPSC के परिणाम में गुरुग्राम की प्रियांशु शर्मा ने भी कामयाबी हासिल की। प्रियांशु शर्मा को 65वां रैंक मिला के उनकी कामयाबी पर परिवार में खुशी का माहौल है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने प्रियांशु से खास बातचीत की है, सुनिए। UPSC का रिजल्ट आने के बाद गुरुग्राम के प्रियांशु शर्मा ने 65वां जो पायदान है, रैंक है, वो हासिल किया। मेरे साथ खुद प्रियांशु हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कितनी मेहनत इसमें लगी और सबसे पहले आपका बहुत बहुत कहीं ना कहीं बधाई मैं देना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से 65वां जो रैंक है वो लिया और हरियाणा का जो नाम है वो रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा जो सफ़र रहा है बहुत लंबा सफ़र रहा है, इसमें मेरे को 6ठा अटैम्प्ट रहा है ये मेरा। इससे पहले भी मुझे सफलता प्राप्त हुई परंतु उसमें मेरे को रेलवे अकाउंट सर्विस मिली थी तो उसमें मैं ट्रेनिंग ज्वाइन किया मैंने और पढ़ाई भी मैंने साथ साथ करी। तो इसमें अपने वर्किंग आवर्स मैनेज करना और अपनी पढ़ाई मैनेज करना ये थोड़ा कठिन रहा। और जैसे उतार चढ़ाव रहते ही हैं शारीरिक, मानसिक, हर किसी भी प्रयास में, तो इसमें भी रहे, परंतु ये रहता है कि जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वो कितना ज़रूरी है आपके लिए, वो मंजिल, और ये सफ़र कितना ज़रूरी है आपके लिए, तो ये ध्यान में रखते हुए चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए। किस तरीके का आपका पूरा, यानी कि एक विज़न था आपका कि आपने UPSC क्लियर करना है, इससे पहले भी आप करें लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में आप चले गए थे, लेकिन किस तरीके से देखते हैं पढ़ाई के साथ साथ तमाम एक्टिविटी और परिवार का साथ, फ्रेंड जोन, तमाम चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया? एक तो मेरा जो विज़न था इसको लेकर कि मुझे विदेश सेवा में जाना था वो बहुत क्लियर था कि ये एक चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत पैशनेट था हमेशा से, तो ये मेरे को हमेशा ये मेरी ड्राइव रही है इसमें। और बाकी जहाँ से जितना सपोर्ट मिल सकता था मुझे, जो मेरा पूरा इकोसिस्टम था, मेरे भाई बहन, मम्मी पापा और मेरा ऑफिस के लोग, मेरे टीचर्स, कॉलीग्स, सभी से मुझे बहुत बहुत भरपूर सपोर्ट मिला है। सभी ने अपना अपना योगदान दिया है जिस भी क्षमता में वो दे सकते थे। और पढ़ाई का जहाँ तक है तो उसमें मुझे बहुत अपना टाइम का ध्यान रखना पड़ा कि कैसे मैनेज करना है, किस चीज़ को कितना समय देना है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि ये समझ जाना, जल्दी जल्दी समझ जाना ये कि आपको पढ़ना क्या है और आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि अखबार आता है 20 पेज का, वो आप 3 घंटे लग जाएंगे पढ़ने में, परंतु अगर आपको ये समझ आ जाती है जल्दी कि आपको क्या छोड़ना है तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट रहा आपको और सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहिए? फैमिली का बहुत सालों से सपोर्ट रहा है। मेरे दादा दादी का सपना था हमेशा से कि सिविल सर्विसेज, हमारे परिवार से भी कोई सिविल सर्विसेज में आए, वो चीज़ मैं अपने साथ लेकर चला हूँ। और घर पे माता पिता जितना सपोर्ट कर सकते थे सबने किया है, जब भी कोई तकलीफ होती थी पास में बैठ के समझाया है मुझे, मेरे छोटे बड़े भाई बहन सभी ने, और मेरे मित्र हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है, जिनसे कोई भी सलाह मशवरा करना है, कोई भी चर्चा करनी है तो उनसे करी है हमेशा। मेरे टीचर्स रहे हैं जिन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया है मेरा,
तो ऐसे सपोर्ट की कमी कभी रही नहीं, और भगवान की दया रही तो मिल ही गया जो जहाँ कितने पहुँचना घंटे था। की आप पढ़ाई करते थे इस दौरान? जी, पढ़ाई का मेरा ऐसा कोई फिक्स रूटीन रहा नहीं कि मैं आपको बता दूं कि 15 घंटे 10 घंटे, ऐसा कुछ मैं कह नहीं पाऊंगा अभी। परंतु जितना आपको ज़रूरत लग रहा है पढ़ाई, ये सोचना कि इतने घंटे पढ़ना है ये इतना सकारात्मक नहीं है जितना आप ये सोचें कि आज मुझे इतना सीखना है। उसमें आपको जितना भी समय लगे परंतु आज मेरे को इतना सीखना है, अगर इस विचारधारा से चलते हैं तो ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। आजकल की बात करें, जो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे या फिर गलत संगति की तरफ जा रहे हैं, आप एक युवा हैं, उनको क्या मैसेज कन्वे करें? मैं यही कहूँगा कि जिसको भी, जो भी इनकी मदद करने को की क्षमता रखता है उसको करनी चाहिए। और नई शुरुआत किसी को भी मिल सकती है, नई शुरुआत हमेशा हो सकती है, और अकेले लड़ाई नहीं लड़ी जाती कोई भी, हमेशा आपके आसपास लोग हैं, उनसे मदद लेनी पड़ती है। सल्यूशन जो है हमेशा हमारे आसपास होते हैं, हमें बस उनको खोजने की ज़रूरत होती है। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है, परंतु ऐसी कोई स्ट्रगल नहीं है जिसका कोई सल्यूशन ना हो। किस तरीके से देखें आगे का क्या विजन है? अब विदेशी जो आप जाएंगे, अभी अभी विदेश सेवा का चयन हुआ नहीं है मेरा, परंतु जिस भी सेवा में मेरे को मौका मिलता है तो सेवा करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। इसीलिए ये एग्ज़ाम लिखते हैं सभी, कि जिस भी कैपेसिटी में आपको जॉब मिले आप उसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे, पूरी निष्ठा से, सत्य निष्ठा से आप काम करेंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ है प्रियांशु शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे एक तो युवाओं को एक मैसेज दिया है कि वो गलत संगति और साथ ही साथ नशे की तरफ कहाँ जहाँ वो आकर्षित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे बचा जा सकता है, क्योंकि उनका परिवार, उनका जो सर्कल है कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बेहतर, कहीं ना कहीं वो निर्भर करता है कि वो उनको किस तरीके से चीज़ों को बेहतर कराने में उनका सहयोग करें, और जब तक उनका कोई साथी सहयोग नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। और क्योंकि जिस तरीके से प्रियांशु शर्मा ने आज ये 65वीं रैंक हासिल की है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार के साथ साथ उनके जो गुरुजन है उनका भी बेहतर कहीं ना कहीं योगदान रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन मुकेश कौशिक के साथ संजय राठौर। तो संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा 2022 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें हरियाणा से भी कई युवाओं का सिलेक्शन हुआ है। फाइनल परिणाम की बात करें तो कुल 933 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। हरियाणा से भी जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें आप महेंद्रगढ़ की बात करें, साथ लगते रेवाड़ी, गुरुग्राम, कैथल, करनाल और जींद के जुलाना की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इस बार बड़ी संख्या में हरियाणा के युवाओं ने भी क्वालिफाई किया है, हरियाणा का नाम रोशन किया है। और हरियाणा का नाम रोशन किया कि इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा की पहचान आप जानते हैं, खेती किसानी से, खिलाड़ियों से या फिर सेना के जवानों से रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो यूपीएससी में भी हरियाणा के युवा बेहतरीन कर रहे हैं। इस बार 12वां रैंक अभिनव सिवाच ने हासिल किया है, काबिले तारीफ है। अभिनव से हरियाणा न्यूज ने बात भी की है, प्रियांशु शर्मा को भी आप सुन रहे थे। इनके अलावा भी हरियाणा के काफी युवाओं ने यूपीएससी में अपनी प्रतिभा से, अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत और अपने संघर्ष के चलते रैंक हासिल किया है, स्थान हासिल किया है और हरियाणा, अपने परिवार, अपने जिले का नाम रोशन किया है। चेहरे में मेरा मानना ये है कि जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ वो मतलब एक तरीके से रिग्रेट फील ना करे, क्योंकि एक एग्जाम ऐसा है इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले अपने अगले एग्जाम की तैयारी करें जो 28 को है, आपका अच्छा होगा। कितने घंटे स्टडी आप करते थे? सर 10 घंटे स्टडी करता था। कितने साल से लगातार आपने तैयारी की? सर 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि कितने घंटे वो पढ़ें ताकि हमको कितने कितना टाइम इसके लिए जरूरी है? मेरा कहना है कि मतलब ये है कि भाई बच्चे स्टडी करें, ओनली फोकस करें, 4-5 घंटे पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़े कि वो भूले नहीं। आज इतनी खुशी है कि खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, इतनी खुशी है। माता जी थोड़ा दिव्या के बारे में बताइए, कहाँ स्कूलिंग की, कैसा क्या परिवार है? भाई परिवार तो देखो सभी को पता है जैसा परिवार है, लेकिन गाँव के स्कूल में ही पढ़ाई की उसने। स्कूल में टॉप पर आने के बाद उसे नवोदया में ही डाल दिया गया। 105 रैंक पाई है जी, वो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी हुई है, परमात्मा ने सुनी है। क्या मतलब क्या हॉबीज क्या थी वैसे, तरीका की समस्या अगर आपको? हॉबी बस यही मतलब डायरी लिखना, पढ़ाई में ध्यान रखना अपना, अपने काम को प्रायोरिटी के आधार पे करना, जो जिम्मेवारी मिली उसको अपने जिम्मेवारी के तरीके से निभाना। मतलब कभी इसने दोबारा मौका नहीं दिया कहने का किसी बात को, एक बारी जो काम कह दिया तो वो करके दिया इसने।
मनस्वी शर्मा, उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ है और बहुत ही रोमांचित और मैं खुशी का कोई ठिकाना नहीं है पूरे परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में। और इस बच्चे ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है उसमें 101 मा रैंक लिया है। ये वास्तव में 101 रैंक वैसे भी पवित्रता की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है और हमारे को बहुत ही खुशी है। और मैं चाहता हूँ कि ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे से कार्य करें। मेरी बेटी दिव्यांशी सिंगला ने 95 रैंक हासिल किया है, बहुत खुशी है। इस पूरे घर में दिवाली जैसा माहौल हो रहा है। कितना पढ़ती थी और कितना वो बहुत पढ़ती थी, प्लस टू तक यहाँ तक किया। उसका शुरू से ही था भाई मैं कुछ बन के दिखाऊं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। लड़की है अंकिता पवार, जिसने IAS में 28वां रैंक प्राप्त किया है और ये हमारे गांव के लिए बहुत गौरव की बात है और हमारा सारा गांव इसकी बात के लिए खुशी मना रहा है। और हम इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि युवा बच्चों को कि वो इसी तरह से मेहनत करें और अच्छे मुकाम को हासिल करें। तो चलिए, हरियाणा के रैंक के मुताबिक आपको हरियाणा के वो होनहार दिखाते हैं जिन्होंने यूपीएससी में अपना डंका बजाया है। अनिरुद्ध यादव 8वां रैंक है, कनिका गोयल 9वां रैंक, अभिनव 12वीं रैंक पर रहे हैं। अंकिता पवार की बात करें तो इन्होंने भी रैंक हासिल किया। सुनील फोगाट 77वां रैंक, मुस्कान इनसे पहले 72वां रैंक, निधि ने 88वां। तो देखिए लिस्ट लंबी है आपकी टीवी स्क्रीन पर, हम ये नाम आपको दिखा रहे हैं। 8वीं रैंक से शुरुआत हरियाणा की हो जाती है और उसके बाद हरियाणा के कई होनहार प्रतिभावान मेहनती, चूंकि देखिए सबसे मुश्किल जो परीक्षा है वो UPSC है और इसको क्वालिफाई कर लेना और अच्छा रैंक हासिल करना वाकई बहुत मुश्किल हुई है अपने आप में और बेहद काबिल तारीफ भी है। तो इन प्रतिभावान होनहार काबिल युवाओं के नाम और रैंक हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर।